अब हम आमंत्रित करते हैं हमारी बहन कुमुदिनी जी भार्गव, वाहेगांव से एक बहन आई है। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहन। उनका विषय है करियर तथा पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने में महिलाओं की भूमिका। बहनों, जैसे कुमुदिनी जी, जैसे कोमल जी का जीवन मैंने बताया, आप सभी जानती हैं, हमारी बहन कुमुदिनी जी इन दोनों बातों का संतुलन स्वयं करती है, स्वयं जीती है, और उसी को अधिकार होता है जो जैसे जीता है वैसे बोलने का। आइए कुमुदिनी जी। आप राजस्थानी महिला मंडल की विश्वस्त हो, भारतीय स्त्री शक्ति संगठन की राष्ट्रीय सचिव हो, आपकी चला नाती जपूया जरा येऊ का मनात इन दो किताबों का प्रकाशन हो चुका है, जिसका द्वितीय संस्करण भी छपा है। हाल ही में उनकी एक किताब का अनुवाद हिंदी में किया गया है, आइए हम रिश्ते संजोए, इसका प्रकाशन भी हुआ है। आप एक अच्छी वक्ता भी हो। महाराष्ट्र के बाहर इनके व्याख्यानों का आयोजन होते रहता है। आप हमारे लातूर की शान है, इस बात के लिए जोरदार तालियां। देखिए, संचलन करने जब दोस्त बैठते हैं तो इतना सारा बोल जाते हैं। सभी को नमन। सभागृह में उपस्थित सभी आज के प्रमुख वक्ता, सभी आए हुए मेहमान, गांव-गांव से पधारी सारी कार्यकर्ता बहनें, आप सभी को सस्नेह जय श्री कृष्ण। आज राजस्थानी महिला मंडल को अत्यधिक प्रसन्नता है कि मंडल के त्रिदशक पूर्ति वर्ष में इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में, इस आयोजन में आप सभी की उपस्थिति हम सबका गौरव बढ़ाने वाली है। संगठन के 30 वर्ष का चलचित्र जब सामने आता है तो हम सभी के मन की ताकत और भी बढ़ जाती है। महिलाओं में बढ़ा आत्मविश्वास और समाज के मिले साथ से हम सभी धन्य हैं। दोस्तों, व्यक्ति व्यक्ति से परिवार बनता है और अनेक परिवारों से समाज बनता है, तो इसी समाज की गरिमा बनाए रखने के लिए पारिवारिक स्वास्थ्य की रक्षा, यह मंडल का मूल उद्देश्य रहा है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज करियर एवं पारिवारिक जीवन में संतुलन, यह विषय संयोजकों ने रखा। सचमुच पारिवारिक जीवन में करियर संतुलित रखने में महिलाओं की भूमिका अहम होती है, इसमें कोई शंका नहीं। आजकल हम करियर इस शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, भले ही उसके अर्थ के गहराई तक नहीं जाते हुए भी हम सभी सहजता से मारो करियर घड़ गयो, भी को करियर चोको हा, इस प्रकार का हमारे वार्तालाप में करियर ये नाम आता ही है, लेकिन आज उस करियर का पूरा अर्थ समझ में लेना ये आज के समय की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि बदलता गतिमान जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में आया परिवर्तन, इन सभी के लिए आज जो जो घट रहा है उसके लिए ये सारी चीज़ें हमें आज चर्चा करना और उस पर कुछ विचार करके हमारे हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे करियर एवं पारिवारिक संतुलन ये तीन विषयों को स्पर्श करता है। इसमें का पहला विषय है कि सुखी परिवार यानी क्या, क्योंकि हम परिवार की बात कर रहे हैं, तो सुखी परिवार यानी क्या, करियर यानी क्या तथा उसकी अहमियत, तथा तीसरा महत्वपूर्ण अंग है कि अपने करियर में तथा अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का संतुलन करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसकी चर्चा। वैसे देखा जाए तो ये विषय सिर्फ एक पुरुष या एक महिला, ये उनका विषय नहीं है, ये पूर्ण परिवार का विषय है, परिवार के हर सदस्य का विषय है। ऐसे करियर संजोना यह परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम जब परिवार में रहते हैं तो केवल खुद के बारे में सोचना भी गलत है, और परिवार में रहते हुए सबका सब करते हुए स्वयं को ही भूल जाना ये भी गलत है।
सभी को विकास का मौका मिले यह उचित धारणा है। बिना सहयोग के तरक्की यह संभव भी नहीं है। घर की एकाध महिला अगर कुछ प्रगति की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहती है तो उसका खुद का दायित्व तथा उसके प्रति परिवार के लोगों का दायित्व, इन दोनों में संतुलन हो तो वो परिवार बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। और हम अपने नियोजित समय में इसी संतुलन की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्वस्थ परिवार की परिभाषा क्या है, हम कौन से परिवार को स्वस्थ बोल सकते हैं। वैसे तो हर कोई हम में से चाहता है कि मेरा परिवार स्वस्थ हो, सुखी हो, अच्छा हो, लेकिन केवल मात्र अपनी कामना रखने से कुछ नहीं होता। सभी का बर्ताव परिवार में वैसा हो तो परिवार स्वस्थ हो सकता है। जिस परिवार का हर सदस्य शांत हो, स्वस्थ चित्त हो, आपस में ईर्ष्या होड़ के बजाय स्नेह हो, सद्भावना हो, आपस में आदर हो, परिवार का कोई सदस्य हो, मेहमान हो या कर्मचारी भी हो, हर एक के साथ इंसानियत से ही पेश आना चाहिए, यह मान्यता जिस परिवार में है वह स्वस्थ परिवार। जहां आगे जाने की, तरक्की करने की, अर्थार्जन करने की चाहत है, ऊंचे सपने हैं, लेकिन उसका नशा नहीं है, वह है स्वस्थ परिवार। अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, ऐश्वर्य, इन सभी को विनम्रता से तथा संतुलित भाव से जहां स्वीकारा जाता है वह है स्वस्थ परिवार। उसकी शेखी नहीं की जाती, वो है स्वस्थ परिवार। जो परिवार स्त्री पुरुष समानता का सही अर्थ जानता है, उसका पालन करता है, सभी की जरूरतों का तथा हितों का जहां ख्याल रखा जाता है, विपरीत परिस्थिति में एक दूसरों की जहां सभी ताकत बन जाते हैं, त्याग का भी आनंद उठाया जाता है, समय पर अपने लोगों के लिए स्वयं की बात से दो कदम पीछे हटकर सुलह करने की तैयारी जिस परिवार में रहती है वह स्वस्थ परिवार। अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति जिस परिवार में ख्याल रखा जाता है, आत्मसम्मान यानी सभी का सम्मान संजोया जाता है, वह है स्वस्थ परिवार। दोस्तों, यह गुण विशेषों की तालिका और बहुत बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये हम सभी जानते हैं ऐसे परिवारों में, लेकिन कहीं रुकना तो जरूरी है ना, हम कितनी गुण विशेषताएं बताएंगे। ऐसे परिवारों में जब किसी के पास हुनर हो तो करियर निश्चित रूप से बनता है, वह परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। अब चलते हैं हम करियर की ओर। क्या है ये करियर? क्या करियर नाम का फूल इस 20-25 साल में ही अपने उपवन में खिला है क्या? निश्चित ही नहीं। अगर हम आज महिलाओं की भूमिका के बारे में विचार कर रहे हैं तो सुचारू रूप से पूर्ण समर्पित भाव से अपना दायित्व निभाती हुई अपने अपने परिवारों को संभालने का तथा संजोने का उत्तम करियर महिलाएं सदियों से करती आई है, इसमें कोई शक नहीं। आज हमने 4 किताबें पढ़ ली है तो वो करियर का हक हमें मिला है, ऐसा कतई नहीं, ये सोचना भी गलत है। अगर आप सभी अपने अपने बुजुर्गों के साथ घर में कभी गपशप मारने बैठी हो तो एक बात आपके ध्यान में आ गई होंगी कि इसके पूर्व बहुत सालों से, साल पहले, कम से कम 4 दशक तो भी हुए होंगे, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में शिक्षा लेने की सुविधा नहीं थी। 4थी या 7वीं तक की शिक्षा होती थी, बहुत हुआ तालुका प्लेस में मैट्रिक होता था। लेकिन जो परिवार शहरों में बसते थे उनके यहाँ अपने देहातों में रहने वाले भाई, भतीजे, भांजे, जेठूते, यहाँ तक कि परिचितों के बच्चे भी इन परिवारों में शिक्षा लेने हेतु 5-5, 7-7 साल रहते थे। इन परिवारों में उनका हार्दिक स्वागत था, हॉस्टल की कोई सुविधा नहीं रहती थी। उन बच्चों का खाना पीना, स्कूल कॉलेज का समय, उनका स्वास्थ्य, ये सभी बड़ी आत्मीयता से देखा जाता था, जिसमें प्रमुख भूमिका घर की महिलाओं की रहती थी, वे निभाती थी। खुद के बच्चों के साथ वे इन बच्चों को भी निभाती थी, पालती थी,
सैकड़ों बच्चों के जीवन में उसी के कारण उत्कर्ष आया, तो कहिए कि जहां एक भी खुद का कुछ भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे निस्वार्थ भाव से किया गया यह काम करियर है, नहीं तो और क्या है। दुर्दैव से उसको करियर ये नाम तब नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी अपने अपने घरों में निष्ठा से प्यार से संभालने वाली महिलाएं जो अपना जीवन का प्रतिदिन अपने परिवार पर ही नौछावर करती है, वो असल में उनका बहुत सुंदर करियर है। दुर्दैव से उसको प्रतिष्ठा नहीं है, और रूढ़ अर्थ से जो अर्थार्जन आर्थिक लाभ होता है वो नहीं है, ये बात सच है। इतिहास के पन्नों में अभी तक भी महिलाओं को घर की दहलीज तक ही सीमित रखा गया था, शिक्षा नहीं, निर्णय प्रक्रिया में सहभाग नहीं, उनके घरेलू कार्य की कदर नहीं, हमेशा सभी की नज़रों में वे निम्न रही, यहाँ तक कि खुद को भी उन्होंने द्वितीय स्थान पर ही रखा। वैसे देखा जाए तो समाज का भी इसमें नुकसान था, क्योंकि समाज का 50% भाग जो महिलाएं हैं उनकी बुद्धि प्रतिभा क्षमता का उपयोग ही नहीं हो रहा था। इस स्थिति में गत 3-4 दशकों में महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया, महिलाएं पढ़ने लगी, उनकी विकास प्रक्रिया में गति आई, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उन्हें अपने क्षमता की पहचान होने लगी, पारिवारिक तथा सामाजिक माहौल भी थोड़ा बदलते गया। कुछ घरों में महिलाओं के अर्थार्जन की आवश्यकता भी निर्माण हो गई। फिर महिलाएं केवल अर्थार्जन के लिए ही नहीं, फिर वे सामाजिक कार्य के लिए, अपनी कला के विकास के लिए, बच्चों के स्कूलों में, बैंकों में खरीदी हेतु, बिल की भुगतान के लिए, दुकान संभालने के लिए, ऐसे अनगिनत कामों के लिए महिलाएं दहलीज से बाहर आई, घर से बाहर आई, करीबन सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देने लगी। यह महिलाओं के जीवन का सुवर्ण क्षण था, क्रांति बिंदु था, अपने बारे में भी सोचने की फुर्सत तथा सहूलियत महिलाओं को मिली, यह एक अच्छा परिवर्तन था। लेकिन कोई भी परिवर्तन जब होता है तब वह परिवर्तन हर व्यक्ति की विचारधारा सही मार्ग पर ही चली जाए ऐसा संभव नहीं है, ये वैश्विक सत्य है। परिवर्तन का अर्थ हर व्यक्ति की धारणा, समझ तथा अनुभव इनके अनुसार लिए जाते हैं, लेकिन काल की कसौटी पर वही अर्थ टिकते हैं जो उचित है। लड़कियों को शिक्षा मिलना ये उनका मूलभूत अधिकार है, उसका सही इस्तेमाल होना ये उनका हक भी है, लेकिन परिवर्तन के इस मोड़ पर कुछ लोग थोड़े से गलत मोड़ पर चले गए, विचारों की दिशा कुछ अलग हो गई, स्त्री पुरुष समानता का अर्थ पूरा सुलझा नहीं, कपड़े, रहन सहन और बाहरी परिवर्तन को समानता समझकर घर का काम यानी कम दर्जे का काम है यह विचार पनपने लगा, वहीं थोड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा कमाती है, वह घर के काम करने के लिए नहीं जन्मी, ऐसे वचन जब माताओं की मुख से निकलने लगे तब शिक्षा जैसा पवित्र कार्य कचहरी में खड़ा हो गया। सब लोग शिक्षा को संदेह से देखने लगे, छोरिया शिकी की वाया जाव, इस प्रकार के वाक्य दुर्दैव से प्रचलित होने लगे, यह बड़ी दुख की बात है। हर पढ़ी लिखी महिला या हर पढ़ी लिखी बच्ची ऐसा नहीं सोचती। जो लोग जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाते हैं, अपना अपनी घर की जिम्मेदारी निभाते हैं तथा अपना कार्य भी सुचारू रूप से करते हैं, उनके लिए ऐसे वाक्य बोलना ये अन्याय है। लेकिन कुछ लोग उलझ गए, ये बात सत्य है, उसके कई किस्से भी सामने आने लगे। कुछ थोड़ी महिलाएं स्वयं के शौक, छंद या अर्थार्जन के लिए उन्होंने जो भी क्षेत्र चुना है उसमें इतनी उलझ गई कि उसको पूरा करते करते वे घर की तरफ अनदेखी करना लगी, परिवार की ओर उनका दुर्लक्ष होने लगा,
बच्चों की परवरिश में खामी आने लगी, वे घर के बड़ों की जिम्मेदारी टालने लगी, घर का अनुशासन आरोग्य तथा शांति दांव पर लगने लगी। इसीलिए अनेकों के मन में शिक्षा के प्रति ही संदेह निर्माण होने लगा, गलत व्यवहारों का ठीकरा पढ़ाई से जोड़ने लगा। यहाँ पर करियर और पारिवारिक संतुलन की बात अहमियत से सामने लगी। सच तो यह है कि विवेकी व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारी तथा स्वयं का विकास, इसमें संतुलन बनाए रखता है। जहाँ यह संतुलन बिगड़ता है वहाँ समस्या निर्माण होती है। आज एकल परिवार की वजह से पहले ही घर में सपोर्ट सिस्टम कम हो गई। आज बच्चों का पालकत्व यह भी आसान नहीं, जिंदगी गतिमान हो गई, बदलावों के साथ खुद को बदलने में हैरानी होने लगी। ये सभी बात सच है, लेकिन अभी तक भी समाज के इतिहास में हम संघर्ष से ही सीखते आए हैं और आज भी इसी संघर्ष से हमें उभारना है। इसीलिए करियर की हम आज देख रहे हैं कि करियर की व्याख्या क्या है, या ये करियर निखर कैसे सकता है, या करियर और परिवार ये दोनों संभालने में दिक्कतें क्या क्या आती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, हर एक के सामने ये दिक्कत है कि आखिर है क्या जो करियर और परिवार दोनों संभाल नहीं सकते। पहले तो हम ये जान लें कि करियर यानी 4-6 घंटे घर छोड़कर ऑफिस में ही जाना है, या सिर्फ अर्थार्जन ही करना है यानी पैसा कमाना है, यही करियर है, यह बात अधूरी सच है। अर्थार्जन करियर का एक अंग है, उद्देश्य नहीं। बहुत से लोगों के दिल में करियर के बारे में ये गलत फहमी बस चुकी है। करियर का अर्थ है अपना व्यक्तित्व विकास, अपने व्यक्तिमत्व को सकारात्मक दृष्टि से संवारना, अच्छे मूल्यों का स्वीकार करना, अपनी क्षमता को पहचानना, क्षमता का विकसन करना, अपनी क्षमता को न्याय देने का मौका मिलना, किसी क्षेत्र में तज्ञता पाना, नम्रता, निर्धार, कर्तव्य तत्परता, ये सारे करियर के लक्षण हैं। हमें जो पसंद है वह करने की सहूलियत मिलना यानी करियर को पाना, अर्थात इसमें सकारात्मक बात जरूरी है। नहीं तो मुझे आलसपन पाना बहुत अच्छा लगता है और मैं 24 घंटे आलसाती रहूंगी और वो मुझे मिलना चाहिए, ये बात नहीं है। ऐसे हमारे गुण जो हमारी कुशलता, जो हमारे व्यक्तिमत्व को पूर्णता दे, अपना मानसिक उत्कर्ष, हमें उत्कर्ष के अवसर मिलना यानी करियर का प्राप्त होना। करियर यह एक व्यक्ति तक सीमित कल्पना ही नहीं है, मेरा विकास साथ में परिवार का विकास, सहयोग से समृद्धि तक जाने का करियर यह एक मार्ग है। परिश्रम, कौशल्य, समझदारी, समल नियोजन, इसी से सभी का उन्नयन हो, सभी का उत्कर्ष हो, तो अपना मार्ग अधिक समृद्ध बनता है। शिक्षा पाने का मतलब सिर्फ साक्षर होना, पढ़ने लिखने आना ये नहीं है दोस्तों। हमारे जीवन में हम क्या पाना चाहते हैं उसकी उचित कृति जो आवश्यक है, विचार करने की क्षमता पाना, ये शिक्षा से होना चाहिए। हमें हमारे जीवन में क्या पाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन में उस लक्ष्य में हमारी निरंतर स्थिरता, उस तक लगातार पहुंचने की जिद, ये जो होती है वो करियर की यात्रा होती है। प्रतिष्ठित क्षेत्रों में अपना नाम ऊंचा करना, प्रसिद्धि मिलाना, खूब पैसा कमाना, यह करियर में अपेक्षित नहीं है। वह करियर की विशेषता है, वह करियर के परिणाम है। अगर हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे तो ना हमारा करियर बनेगा, ना हमें कोई समाधान होगा। शांति से, सातत्य से अगर हमें जो काम करना है वो हम करते रहेंगे तो उसके फल हमें अवश्य मिलेंगे। पीली हल्दी और हो गई गोरी, ये बात करियर में होती नहीं। दोस्तों, करियर एक कर्तृत्व क्षेत्र का दालन है। फिर वह क्षेत्र रसोई हो सकती है, रंगोली हो सकती है, अंतकरण से गाए गीत हो सकते हैं, प्रभावी वक्तृत्व हो सकता है, ब्रश से संजोया गया पेंटिंग हो सकता है, सुई धागे से बनाई गई कलाबुटी हो सकती है,
व्यंजनों से तृप्त करने वाली अन्नपूर्णा हो सकती है। मिर्च, पापड़, बड़ी, मसाले, ढोकला, खाकरा, इन सभी चतुराई के काम वो हो सकते हैं। छात्रों को, रुग्णों को टिफिन पहुंचाना हो, वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में अपनी सेवा देना हो, कोई भाषांतर का काम हो, अध्यापक का बनना, अध्यापक बनना हो, ट्यूशंस लेना हो, योगा क्लास हो, समुपदेशन हो, मंच संचालन हो, इवेंट मैनेज करना हो, राजनीति हो, शेयर मार्केट हो, अपनी शिक्षा का हम जहाँ जहाँ सही उपयोग करते हैं उस वो कोई भी क्षेत्र, बहुत से दालन है और वह हर दालन बहुत महत्वपूर्ण है। आप घर में बैठे 10 साड़ियाँ बेचती हो या आप तीन मंजिल आपकी इमारत में आप हजारों साड़ियाँ बेचती हो, दोनों भी एक ही प्रतिष्ठा के हैं। आप घर में फॉल पिको करती हो या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करती हो, जो भी आपके नज़रों में जो काम आपका सम्मान बढ़ाने वाला है, आपको आत्मनिर्भरता देने वाला है, आपको गौरवान्वित करने वाला है, समाधान देने वाला है, वह हर सकारात्मक कार्य अपना करियर है। उसमें अर्थार्जन ज़्यादा है, कम है, नहीं है, ये इमटेरियल है। देखिए, हर घर की ज़रूरत अलग होती है और हर एक की मनोभूमिका भी अलग होती है। इसलिए फला काम श्रेष्ठ है, फला काम कनिष्ठ है, ऐसे लेबल हमें लगाना नहीं चाहिए, ना ही हमें वो अधिकार है। हम जो कार्य करते हैं, हर कार्य को प्रतिष्ठा है और कार्यरत रहना यह करियर में अत्यंत आवश्यक है। अब हम चलते हैं करियर तथा पारिवारिक जीवन में संतुलन लाने में वे कौन सी बाधाएं हैं, कौन सा अपना स्वभाव है, कौन सी अपनी कृति है कि जिससे ये करियर और परिवार दोनों संभाला नहीं जाता। इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले जब हम गृहिणी, कोई भी, आप हो, मैं हो, कोई भी जब हमें पूछता है आप क्या करती हो, तब हम फट से जवाब देते हैं, मैं कुछ नहीं करती, मैं घर में ही हूँ। दोस्तों, अब इस न्यूनता से हमें बाहर आना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वी आर द होम मेकर्स। गृहिणी होने के नाते हम कुशलता से अपना घर संभालते हैं। अपनी सेवा का लाभ अन्यों को हो, यह बड़ा दिल अपने पास है। हम घर की मध्यवर्ती भूमिका में है और वह अपने करियर का एक अंग है, करियर का एक पहलू है। इसलिए आज से हम खुद को, मैं की भी कोनी हूँ, मारो जीवन व्यर्थ है, यह विषय सगाम पे लिख खत्म कर देवा। करियर के लिए हमारे पास डिग्री है या नहीं है, इमटेरियल है। हम कौन से उम्र में हैं, ये भी मायने नहीं रखता। जीवन के हर टप्पे पर हम हमारा करियर संवार सकते हैं। बहनों, जैसे पहले भाषण में काबरा जी ने कहा ना कि हम ही हमको पहचानते नहीं, हमारी क्षमता हमको ही पता नहीं है। हिरनी के नाभि में कस्तूरी होती है लेकिन उसको ही पता नहीं चलता, वो चहुं और ढूंढती है। वैसे ही हम कर्तृत्व के लिए औरों के पास देखते हैं, लेकिन आज से हम हमारी क्षमता पहचानेंगे, उसे उजागर करने की पूरी कोशिश करेंगे और लगातार ये करते रहेंगे तो करियर होगा। करियर और घर एक साथ संभाले नहीं जाते, ये अर्धसत्य है। हमारे आसपास अनगिनत उदाहरण हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला जी सीतारामन को आप जानती हैं, करेक्ट? उनका बीच में वे घर में आचार कर रही है ऐसा फोटो वायरल हुआ। उसके बारे में पत्रकारों ने उन्हें छेड़ा तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं संसद में बैठती हूँ तब देश का विचार करती हूँ, घर में घर वालों का ख्याल करती हूँ, तो उसमें आपत्ति क्या है? माधुरी दीक्षित ने जो फिल्मों में उसने अपनी एक जगह बना ली थी, उसने परिवार बसाने के लिए तथा बच्चों के परवरिश खातिर 10 साल वे फिल्मों से दूर रही, फिर वापस आई, फिर यशस्वी हो गई। आप मेरी कॉम को जानते हैं, उन्होंने भी बच्चों के लिए कुछ दिन ब्रेक लिया था, फिर वे जगत जेता बनी। 8 दिन पूर्व कोनेरू हम्पी, 33 साल की अब, 3 वर्ष बच्चावस्था ब्रेक लिया,
आणि पाची जलद गति बुद्धिबल में वे पाची जगत जेता बन गया। दोस्तों, इन सभी ने इस रेस्ट पीरियड में अपनी मन की ऊर्जा को संभाल कर रखा और यशस्वी होने पर भी जमीन पे के पैर उठने नहीं दिए। ये अगर सब ग्लैमरस उदाहरण लगते हो तो दो उदाहरण आपके मेरे जैसे, जैसे काबरा जी ने भी सभी बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए, उसी श्रृंखला में मैं आगे एक बताती हूँ। पूना की आपके जैसी मेरी एक महिला है, जैसे हम और आप गृहिणी है वैसे ही है, शारदा देवी। उम्र के 35वें वर्ष में कुछ गड़बड़ हो गई बिजनेस में, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने, विश्वास कीजिए, पितौड़ रहे हो ना अपना, पितौड़ रस के दिनों में हम जो पितौड़ बनाते हैं, वो पितौड़ बेचना उन्होंने आरंभ किया एक शादी में। फिर वे पितौड़ बेचे, उनको बहुत रिस्पांस मिला। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पाक कला के जो उनके हुनर है उसके अनुसार बहुत सी चीज़ें बनाई, वो सारे पूना में फेमस होने लगी। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने भी साथ देना शुरू किया। बराबर 15 साल के बाद पूना के अहम बाजार में शारदा प्रोडक्ट्स नाम की दुकान तय हो गई। आज उसकी दूसरी शाखा भी खुल गई और पूना में शारदा प्रोडक्ट्स के नाम स्टैंडर्ड खाने के पदार्थ इसमें गिने जाते हैं। एक भाजी वाली महिला है, कमजोर थी, गली गली में जाके भाजी बेचना उसके लिए आसान नहीं था। उसने दिमाग लड़ाया, वो कॉलोनी में लहसुन कोथिंबीर सब्जी सब साफ करके सप्लाई करने लगी। धीरे धीरे उसको रिस्पांस मिलने लगा। एक कॉलोनी, दो कॉलोनी, अगर आप साप्ताहिक सका पढ़ते होंगे ना तो ये स्टोरी उसमें आई है। विश्वास रखिए, 4 से 5 साल में आज वो महिला एक ट्रक भाजी लेती है, 15 कॉलोनियों को पहुंचाती है। उसके हाथ के नीचे 10 महिलाएं काम करती है, वे उन्हें रोजगार देती है। वो ट्रक आज उनका खुद का हो गया है, उसके बच्चे उच्च शिक्षित होने लगे हैं। मुझे बताइए, करियर की और कितनी मिसालें हम दें। हम में से भी बहुत सी महिलाओं के बच्चे होने के बाद हमने डिग्री ली है, गायन की परीक्षाएं दिए हैं, कुछ कोर्सेस किए हैं, अपनी क्षमता का लाभ समाज को भी दिया है। वे सभी अभिनंदन के हकदार हैं। जो चीज़ें हमें आनंद देती हो, अपनी मन की ऊर्जा बढ़ाती हो, अपना तथा परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाती हो, उसे अर्थपूर्ण बनाती हो, हर सकारात्मक कार्य करियर ही है, इस पर आप विश्वास रखिए। फिर अब हम विचार करते हैं कि थोड़ा आत्म परीक्षण कि बाबा, पारिवारिक जीवन संभालना तथा करियर जो बार बार आता है, इसमें दिक्कतें क्यों आती हैं। दोस्तों, इसमें दायित्व जाता है हमारी खामियों को, हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव। हम जिस प्रकार दूसरों से डील करते हैं वो हमारा व्यवहार इसके लिए कारणीभूत है, जिसके लिए ये संतुलन बिगड़ता है। आज के ज़माने में अगर घर की बहू बेटी कुछ समय के लिए अपने काम से बाहर जाती हो तो उसे ज्येष्ठों का विरोध नहीं होता, ये सत्य है। अधिकांश ज्येष्ठों का आजकल विरोध नहीं होता। बात आपके करियर की नहीं है, बात आपके बर्ताव की है, जिसमें घर में अनबन हो जाती है, फिर वह बात आपके करियर तक जाती है और फिर आप अनायास बोल उठती है कि माँ का घर मना की भी करण जावो तो बिन विरोधच हुआ। इस प्रकार के आलाप जब हम सुनते हैं तब हमें आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हम हमारे स्वभाव को, खामियों को दुर्लक्षित करते हैं। हमें मिले स्वतंत्रता का उपयोग मनमानी तक जाते हैं, स्वतंत्रता से जब हम करते हैं, इसलिए ये सारी बेती होती है। देखिए, जब हम शादी होकर आते हैं ना, तब नए परिवार में आते हैं तो उस वातावरण में घुलना मिलना उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन सचमुच ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने वैवाहिक जीवन की नींव पक्की करने का यह काल, रिश्ते संवारने की यह बेला, समझदारी तथा अनुभव संपन्नता के लिए बहुत अहम काल होता है। बच्चों का जन्म, उनकी प्राथमिक परवरिश, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है। लेकिन ऐसे समय में मेरी जिंदगी तो बस इस व्यर्थ कामों में जा रही है,
ऐसा कदापि ही भी नहीं सोचना। जब आप ऐसा सोचती हो तब उसके दृश्य परिणाम आपके कृति में भी नजर आते हैं, वहीं घर में तनाव की शुरुआत हो जाती है। जिंदगी में हर कार्य होता है, लेकिन उस कार्य को अपना अपना समय होता है, ये हमें जानना ही चाहिए। थोड़ा सब्र, थोड़ा धीरज, हर चीज़ प्राप्त होंगी। उस चीज़ को हमें भूलना नहीं है जहाँ हमें जाना है, लेकिन यह फल देने के लिए, वो फलने के लिए, वो मूर्त रूप लाने के लिए थोड़ा जो समय लगता है, उतना सब्र अगर हम धारण कर ले तो निश्चित वह करियर की अच्छी शुरुआत है। हो सकता है शादी के पहले आप कुछ करती हो, किसी क्षेत्र में हो, शादी होने के पश्चात आपका कार्य स्थल काल अनुकूल हो तो ब्रेक होगा भी नहीं, लेकिन समझो थोड़ा ब्रेक हो गया तो पूरा नकारात्मक भाव में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा अगर आप रुक जाएंगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। एक और बात है कि कोई डॉक्टर हो, टीचर हो या नौकरी पर जाने वाली महिला हो तो उसके नियोजित समय पर वो बाहर जाएगी, ये घर वालों की मन की मानसिकता तैयार हो जाती है। लेकिन आम महिलाएं जो कुछ हटकर काम करना चाहे उनके बारे में ये प्रसंग आते हैं कि घर में अनबन होना वगैरह होता है, लेकिन ऐसे समय में आवश्यकता है आपके कर्तव्य पूर्ति के भावना की, आपके मीठी जुबान की, सकारात्मक सोच की, तथा आप घर में रिश्ते कैसे संभालती हो उसकी अहमियत यही आती है। ये मत सोचना कि सिर्फ आप ही घर संसार संभालती है, सदियों से सभी घर संसार संभालते आए हो, उसे संभालना भी चाहिए। घर संभालने के लिए, करियर संभालने के लिए घरवार को छोड़ना पड़ता है, ये बात, ये भ्रम है, वो हमारे दिल में नहीं पनपना चाहिए। जैसे हम कितने भी उच्च स्थान पर हो, अगर सरकारी ऑफिस में हम जाते हैं तो आधार कार्ड हमें बहुत जरूर रहता है, उसी प्रकार विश्वास रखिए हमारी सफलतम जिंदगी के लिए, ऊंची उड़ान के लिए, यश की सार्थकता के लिए परिवार से जुड़ा रहना परम आवश्यक है। उसी में करियर की पूर्तता है और उसी में सच्चा सुख भी है। बस थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण, छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम ध्यान लें। सबसे पहले अपने बिहेवियर में, अपने बर्ताव में थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा जल्दी उठना, आलस नहीं पन पाना, मोबाइल, फेसबुक, चैटिंग, इसका सीमित उपयोग आपको आपके करियर संजोने में जरूर मदद देगा। समय नियोजन की अद्भुत कला आज दो तीन वक्ताओं ने बताई, समय नियोजन की सचमुच ये कला अद्भुत है। प्लानिंग करना, समय सारिणी बनाना, अपनी काम की लिस्ट बनाना, उसके अनुसार आने वाली दिक्कतों को पहले से ही, दिक्कतों के बारे में पहले से ही सचेत रहना, यह कुशलता का काम है। अगर वह आ जाए तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। समय नियोजन है हर यश का ताला खोलने वाली चाबी है। भगवान ने सभी को एक दिन के 24 घंटे ही दिए हैं, किसी को भी कृपा करके 25 घंटे उसने नहीं दिए हैं। हमें पल्ले पड़े हर क्षण का उपयोग हम कैसे करते हैं इस पर सारा निर्भर है। चीजें जहां की वहां, काम जब का तब ढंग से करना, ये कुशलता है, यही समय का नियोजन है। हर घर का समय का नियोजन अलग होता है, ये हमें जान लेना चाहिए। जरूरत है हमें उस अनुसार प्लान बनाने की। इस सब में कष्ट है लेकिन परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। शॉर्टकट से मिला हुआ यश कभी टिकता भी नहीं है, इसलिए हमें कष्ट से कभी भी डरना नहीं चाहिए। फिर अगर कष्ट करने हैं तो हमारा तन मन स्वस्थ होना चाहिए, फिर तन मन स्वस्थ होना चाहिए तो आहार विहार व्यायाम इसकी ज़रूरत है। अजी घर में व्यायाम और घूमना ये कोई हमारे बस की बात नहीं, हमको समय ही नहीं है। यह बात फिर समय के नियोजन को ललकारती है। अपना फिटनेस हमें ही रखना होगा। फिट कैसे रखना है, फिट कैसे रहना है, ये अपना अपना काम है, दूसरा कोई भी हमें इसमें मदद नहीं करेगा। मन की प्रसन्नता हमें ऊर्जा देती है, तन
हमें काम के लिए प्रोत्साहित करता है। मन प्रसन्न रखना है तो तनावों का नियोजन हमें करने आना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में हम कितना तनाव करते हैं। बच्चों को 2 मार्क कमाए ताबड़ तनाव बिल्कुल बिको क्या दूसरो नंबर गए प्रो आज कामवाली भाई क्या नहीं कोनी न करा आबाड़ो हो भाजी वालो आयो कोनी। छोटी 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 बातें इससे तनाव जब हम करते हैं तो हमारी मनस्थिति बिगड़ जाती है। तनाव का सामना तो हमें करने आना ही चाहिए और उसमें भी ये सचमुच तनाव है या मैंने उसका हवा खड़ा किया है ये भी बात उतनी ही पते की है ये हम जान लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात अपने अपने क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध गुस्सा किसे नहीं आता हर किसी को आता है लेकिन थोड़ा कर्तृत्व पाते ही मेरा मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जैसे घोषित कर दिया है कि आपका क्रोध जायज है ऐसा घोषित करने अनुसार अगर आप आते जाते आपका क्रोध हर किसी पर उतारती रहोगी तो ना आपका आपके काम में ध्यान लगेगा ना घर में शांति रहेगी। मैं जितना कहूँ जैसे कहूँ वैसे ही होना चाहिए यह भावना क्रोध को और भी भड़काती है। हर समय आपका गुस्सेला स्वभाव करियर को मारक है घर की शांति को मारक है। सभी से सुसंवाद रखना यह करियर में महत्वपूर्ण पहलू है। संवाद से ही घर में संतुलन बना रहता है। आपस में संवाद हो तो अनेक प्रश्न निर्माण होने के पहले ही खत्म हो जाते हैं। सामने वाली का व्यक्ति का कहना भी सुनना मुझे आवश्यक है यह भान अगर हम रखें तो ये हो सकता है। दोस्तों 2 पीढ़ी का संघर्ष ये किसी को चुका नहीं है सदियों से चलता आया है लेकिन संघर्ष से भी उस संघर्ष को संघर्ष ना रखकर कैसी मिठास हम निर्माण कर सकते हैं ये हमारा कौशल है। अगर युवा पीढ़ी को लगता है कि हमारे ज्येष्ठों को कुछ भी नहीं समझता जब वो ऐसा बोलते हैं तो वो उनके अनुभवों को नकारते हैं यहाँ तक कि उन्हें सम्मान देना या नहीं देना ये भी खुद के मूड पर डिपेंड होता है तब घर का माहौल बिगड़ता है। और ज्येष्ठ भी जब छोटे लोग ये कई संसार करी इनको तो कुछ भी नहीं आता ऐसा संदेह भरे वाक्य वे जब बोलते हैं और छोटों को उनके अनुसार यानी उनका जैसा काम की जिस पद्धति है उनकी उसको अलाउड नहीं करते तब घर में अशांति होती है। ये दोनों तरफ से होना चाहिए तो ही परिवार में संतुलन हो सकता है ये बात निश्चित है। जब युवा माताएं अपने अपने बच्चों को मैं तेरे लिए सब काम छोड़ के आई हूँ मैंने तेरे लिए ये किया है ऐसा जब बोलती है और तू झटपट सुन नहीं तुम्हारे सटक जाएगा ऐसा जब बोलती है तो आप सोचो ना संवेदनशील बच्चों के मन पर क्या गुजरती है। बार बार मम्मी जब भी आती है तो चिढ़ती है आती है तो चिढ़ती है ये बच्चों के लिए अच्छा है क्या इसमें रिश्ते कैसे निभेंगे। इसलिए थोड़ी थोड़ी छोटी बातें हैं लेकिन वे सारी बातें ठीक से कर देखिए अपन हम हमारे बचपन की याद करें तो हम भी कभी माओं को सताते ही थे हम भी टिफिन कंप्लीट नहीं करते थे कभी कभी मांझने डालने की गड़बड़ करते थे कभी दफ्तर वहीं रखते थे हम भी बीमार होते थे हम भी शैतानी करते थे। तब अगर हमारी माँ ने दादी ने काकी ने हमें दुलारा नहीं होता प्यार नहीं दिया होता तो आज हम जो तन मन से स्वस्थ है वो रहते निश्चित नहीं रहते। आज उसी भूमिका में आज आप हो सकता है तब का माहौल अलग था आज का माहौल अलग है रवैया अलग है लेकिन माँ की भूमिका वो तो वैसी की वैसी ही है। इसलिए थोड़ी जो छोटी बातें हैं वो अगर समझ ले तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। बच्चों की संवेदनशील उम्र में हमें उन्हें समय देना ही पड़ता है। अगर बच्चों के मन में माँ के प्रति बहुत डर बैठ जाए बहुत संकोच बैठ जाए या बेफिक्री आ जाए उसके पहले हमने ये संभाल लेना चाहिए। फिर कभी कभी क्या होता है करियरिस्ट महिलाएं घर में कुछ काम छेड़ देती है काम छेड़ के अलमारी से रखे सारे वहीं के वहीं छोड़ के फट से बाहर निकल जाती है।
आपका बाहर जाना घर वालों को अखरता नहीं, उतना आपका किया हुआ पसारना समेटना उनको गुस्सा देता है। फिर घर की ज्येष्ठ महिलाएं बोलती है, जिंदगी भर हमने यही किया, अब हमने यही करना है क्या, थोड़ा तो सहारा मिलता। ये क्लेश भरे वाक्य घर में ना आए तो अच्छा, उसके लिए क्या करना चाहिए, हम जाते हैं। लेकिन एक बात सच है दोस्तों, कोई करियरिस्ट महिला जब बन सके उतना काम कर बाहर जाती है तो घर वालों को उसके प्रति धीरे धीरे स्नेह निर्माण होता है, सहानुभूति निर्माण होती है, वे उसको खुद होकर मदद करते हैं। ये बात भी उतनी ही सच है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा विनम्र होना होगा, थोड़े आपकी कष्ट की तैयारी चाहिए, घर वालों के प्रति आपको स्नेह चाहिए। केवल घर वालों के कष्ट और त्याग पर आपकी करियर की इमारत अगर खड़ी हो तो उसका वो ठीक नहीं है। हमें उनसे अपेक्षाएं जरूर रखनी चाहिए क्योंकि वो घर वाले हैं, लेकिन घर वालों को भी आप परिवार का एक सदस्य होने के नाते आपसे कुछ अपेक्षा है वो भी पूरी होनी चाहिए। ये पते की बात है, जब आप 4 घंटे बाहर से आओगी और बड़ों के साथ बात नहीं करते हुए सीधे बच्चों को पूछोगी, तू खायो कहीं, तू पियो कहीं, तू रोयो कहीं, तू भूखो हो कहीं, अब मैं आएगी ना, अब अच्छो हो जाए। आप सोचिए, चंचल बच्चों को 4 घंटे संभालने वाले बड़रों को दिल पर क्या गुजरती होंगे। फिर से बात छोटी छोटी है, लेकिन हम हमारे व्यवहार से इस प्रकार के घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। कभी कभी ससुराल में बैठी बेटी अपने माँ की याद करती रहती है, उसका दुलार याद करती है, और सासू माँ अपनी ससुराल गई हुई बेटी की याद करती है, इसमें किसका भला है। जहाँ हम साथ में रहते हैं वो हम आपस में प्यार रहे, आपस में सदव्यवहार रखे, तो उस घर का माहौल ही अलग होता है, सभी खुश होंगे। पूर्वग्रह दूषितता, अनादर, गलत फहमियाँ, इससे सारे परिवार दुखी होते हैं। इसलिए दोस्तों, इसी यही कारण है कि वे भी अपने करियर में रुकावट बन जाते हैं, यह हमें भान रखता है। दोस्तों, बहुत छोटी लेकिन अंत में महत्वपूर्ण बात, अपनी गलती को दिल से स्वीकार करना, कर्तव्य तत्परता रखना, संयम रखना, घर में एक दूसरों से आदर भाव रखना, परस्पर सामंजस्य, परस्पर अवलंबित्व और परस्पर सहकार्य, ये सारी बातें महत्व की है। सहिष्णुता, समर्पण भाव, संवेदनशीलता, क्षमाशीलता, अहंकार से दूर रहना और हमें जो मदद करता है उसके प्रति कृतज्ञता रखना, ये बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हमें करियर की ओर लेके जाएंगी, यही वो बातें हैं जो हमारा अस्तित्व सुखदायी, उन्नत तथा गर्वीला बना देती है। ये सारे गुण हम आत्मसात कर चाहते हैं। दोस्तों, जमाना बदल रहा है, अब सिर्फ पुरुषों ने ही कमाना है, उसका सारा टेंशन लेना है और महिलाओं ने ही घर का काम करना है, इसकी सीमा रेशा अब फीकी होती जा रही है। परिवार में हर एक का कष्ट, सभी के कष्ट, सभी का समर्पण, सभी की उन्नति, सभी का उत्कर्ष, उन्नयन सभी का, ये समय की मांग है। इसलिए और एक छोटी बात जो वक्तव्य में थोड़ा रह गई थी, अगर कोई घर की महिला करियर करना चाहे तो उस घर के ज्येष्ठ और महिलाएं, इनका भी कर्तव्य बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उस लड़की को, उस बहू को विरोध के लिए विरोध ना करें, उसके उन्नति में अपना सुख माने, उसे हो सके उतनी सुविधा दे, उसे सहकार्य दे, ताकि वो प्रसन्नता से घर भी संभाल सकेगी, अपना करियर भी संभाले सकेगी। दोस्तों, ये दोनों हाथ से बजने वाली ताली है। करियर करने वाली महिला को सहकार्य देना अपना पारिवारिक कर्तव्य है, वो छोटी है या बड़ी है ये इमटेरियल है, वो अपनी है, यह भाव होना बहुत जरूरी है। उसके लिए थोड़ी सी लचीली भूमिका घर के ज्येष्ठों को भी लेना उतना ही आवश्यक है, ये निश्चित है। अगर आप उसके काम में सहकार्य कर सके तो बहुत अच्छा, एटलीस्ट उसके काम में बाधा ना लाना, बाधा ना आए ऐसा व्यवहार करना, इतना भी हो गया तो उसका करियर निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसमें परिवार की भी सार्थकता है, परिवार की भी प्रतिष्ठा है। दोस्तों, महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, समानता, अर्थार्जन तथा शिक्षा, ये पंचसूत्री अनमोल है।
लेकिन उसका संतुलन जरूरी है। कोई हमें सम्मान देता है या नहीं देता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद को सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं ये महत्वपूर्ण है। कल मैं थी, आज मैं हूँ और कल मैं रहूँगी, इस प्रकार का आत्मविश्वास हमें होना चाहिए। मैं काली हूँ या गोरी हूँ, मैं अमीर हूँ या साधारण हूँ, मैं देहात में हूँ या कोई मेट्रो सिटीज़ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करियर हर जगह बनाया जा सकता है, उसके लिए चाहिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। बस हम सभी के करियर ऐसे ही ऊंचे हो, निर्दोष हो, सभी के परिवार सुखी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं रुकती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाभी, बहुत सुंदर। सच में परिवार की सही सूत्रधार महिला ही होती है। करियर और परिवार में संतुलन बनाए रखने की कला जिसे अवगत हुई वह घर समझो स्वर्ग बन गया। भाभी के संभाषण से हमें एक संदेश मिला है, सोच को जागृत करे जीवन निखर जाएगा, सोच को जागृत करे जीवन निखर जाएगा, सोच को सकारात्मक रखे नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को सकारात्मक रखे नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, कश्ती के रुख बदलिए किनारे खुद बदल जाएंगे, किनारे खुद बदल जाएंगे। लेकिन एक काम हमको करना है, हमने मराठवाड़ा भर से अनेक बहनों को निमंत्रित किया है लेकिन प्रत्यक्ष में हम इन सभी को मिल नहीं पा रहे, इनसे संवाद नहीं हो रहा, समय का अभाव है। केवल एक रोल कॉल लेंगे, मैं जिस जिन गांवों से बहनें आई हुई हैं उनका नाम लूंगी, उस गांव का नाम लूंगी, बहनें खड़ी होंगी और हम तालियां बजाकर उसका स्वागत करेंगे। हाँ, रेणापुर से 8 बहनें आई हुई है, खड़ी रहिए, जल्दी जल्दी तालियां बजाकर हम स्वागत करते हैं। उमरगा से 6 बहनें आई हैं, उमरगा बहुत बहुत धन्यवाद। बसमत से 6 बहनें आई हैं, बसमत बहुत दूर है भाई, मुझे वो बसमत से बहनें आ रही हैं कहते ही थोड़ा सा डर लग रहा था कि रास्ता खराब और इतना दूर का पास, फिर भी अभिनंदन आपका। निलंगा से 20 बहनें आई हैं, औराद से 20 बहनें आई, 15 बहनें आई हैं, बीड़ से 12 बहनें आई हैं, हाँ बीड़ से 12 बहनें आई हैं, खड़ी है, हाँ ठीक है। अहमदपुर से 10 बहनें आई हैं, मुरूड से 20 बहनें आई हैं, केज से 7 बहनें आई हैं, केस से वाह। अंबाजोगाई से 4 बहनें आई हैं, अंबाजोगाई हाथ ऊपर कीजिए, खड़े रहिए, तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। सेलू से 9 बहनें आई हैं, सेलू भी बहुत दूर है, खड़ी रहिए सभी सेलू की बहनें। परभणी से 5 बहनें आई हैं, नांदेड़ से 4 बहनें आई हैं, परवनी नांदेड़, औसा से 5 बहनें आई हैं और उदगीर से 32 बहनें आई हैं, उदगीर की 32 बहनें हमारे बीच हैं, सभी का हार्दिक आभार अभिनंदन। अक्कलकोट से भी एक बहन आई है, बारशी से 3 बहनें आने वाली थी, आई है मालूम नहीं। सभी बहनों के लिए लातूरवासी दो जोरदार तालियां बजाइए। लातूर की 550 से 600 बहनें हमारे पास उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए, अभी अभी हमने कोमल बिटिया को सुना, जो जिस प्रकार का जीवन जीती है, कितनी है? अरे इसमें सॉरी, उस्मानाबाद से आई हुई बहनें खड़ी रहे, 14 बहनें आई हैं, उनका भी स्वागत।
और कोई अगर रहा तो जरूर बताइए। पुणे से एक बहन आई है जो हमारी पुणे गई हुई आई है। बहुत बढ़िया। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारी सबकी सखी कर्नाटक से एक बहन आई है। वाह, दो बहनें आई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। खड़ी है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। बारशी से कुछ आने वाली थी बहनें, आइए। हमने मराठवाड़ा की बहनों को बुलाया, बारशी का संदेश था कि हमको क्यों नहीं बुलाया, लेकिन कहीं तो भी मर्यादा रखना यह दृष्टिकोण था। सुबह पल्लोड़ जी ने बताया है कि महाराष्ट्र स्तर का अधिवेशन रखें, हम पूरा सहकार्य करेंगे, हम जरूर इसका विचार करेंगे।